हमने तो आपको पहले ही बोला था, चाहे हमारी वीडियो भी देखो प्री मैच की आरसीबी सनराइजर्स की, हमने बोला था भाई अगर तुम टॉस भी जीत जाओ पहले बॉलिंग मत करना, क्योंकि तुम्हारी बॉलिंग लाइनअप नहीं है इतनी स्ट्रॉन्ग कि तुम सनराइजर्स को 200 तक रोक दो, 220 तक रोक दो। तो क्या हो गया भाई, आरसीबी आरसीबी मैं तो करता रहूंगा भाई, तुम आरसीबी करते रहो, लेकिन भाई रिकॉर्ड तो तुम्हारे टूट गया और इस बार तो तुम्हारे खिलाफ ही टूट गया, 287 रन बन गए भाई ये तो बिल्कुल ही। और तुम्हारा 269 का स्कोर था ना, तुम वो भी नहीं तोड़ पाए, मतलब 262 बनाए तुमने, मतलब कलंक की शाही ली और अपने ऊपर रगड़ ली आरसीबी ने, रगड़ ली मतलब लोएस्ट स्कोर भी इनका, सबसे ज्यादा रन एमआई ने खाए थे इससे पहले, अब ये खा गए कि इनको अच्छा नहीं लग रहा था कि यार हमारा जो स्कोर था 269 हमने बनाए थे लेकिन हम वो टूट गए 277 बन गए, 263 का वैसे, हाँ 263 था वो टूट गया, उसके बाद भी तुम ये चाहते थे 277 भी हमारे खिलाफ ही टूटे। नहीं अब इनके फैंस पता है कहाँ खुशी ढूंढ रहे हैं, वो चेज करते हुए हमने 262 मार दिया हाईएस्ट है, मतलब भाई साहब तुम जीत ढूंढो ना भाई, कहाँ है जीत, आपसे की जीत नहीं मिल रही है भाई, सात में से एक मैच जीते हो और वो भी इतना फंसा हुआ मैच जीते हो पंजाब से, वो भी पंजाब टीम से फंसा हुआ भाई साहब, तब प्रीति जनता कह रही है ऐसे यार वो स्क्रिप्ट में मुझे क्यों भरवा दिया, इनसे हारना कौन डिजर्व करता है भाई। जयशान ने कल के मैच में तो शायद आरसीबी को भी जिता दिया होगा, लेकिन इनकी किस्मत इतनी फूटी है भाई, विल जैक्स तक जो एक प्लेयर था बाकी सब परफॉर्म करके गए और विल जैक्स भी परफॉर्म करता, लेकिन इतनी गंदी किस्मत है आरसीबी की, रन आउट हो गया बेचारा, फुद्दू किस्मत है भाई इनकी, वो स्क्रिप्ट में सही कह रहे हो, वो जीत आरसीबी की थी, जीत आरसीबी की थी क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने पावर प्ले में रन बनाए थे 10 ओवर में क्या अच्छा खासा रनरेट चल रहा था, अगर वो विलजैक्स आउट नहीं होता तो शायद वो 30-40 तो कंट्रीब्यूशन करके जाता। बाकी हैदराबाद के ड्रेसिंग रूम में किसी ने वो वाला खाना बजा दिया था क्या, मारे युवराज चचक्का भाई 22 छक्के लगे, ये रिकॉर्ड भी टूट गया आरसीबी के खिलाफ भाई, रेल मचा दी सही में और गेंद फाड़ दी भाई सही में भाई ये ना एक तो ट्रेविस हेड ये टुल्ला भाई हर वर्ल्ड कप में 100 मार जाता है, कल के मैच में 100 मारे विराट के सामने फिर 100 मार दिया, विराट के सामने फिर 100 मार गया, इसको आउट करने का तरीका ही नहीं मिलता भाई, मतलब यार क्या ही बोलूं मैं कि मैं बोल ही नहीं सकता यार कुछ, क्योंकि यार मतलब इतना अनप्रेडिक्टेबल टी20 है चल रहा है, इतने रन तो भाई उस दिन वर्ल्ड कप में नहीं बने जितने इन्होंने कल के मैच, भाई साहब सिराज को आपने देखा स्टार्टिंग में जब मैच शुरू हुआ तो उसका मुंह बना हुआ था, सोच रहा था आप से तू बेंच अंदर तो क्यों नहीं खिलाया, जैसे ही इनिंग खत्म हुई थोड़ी स्माइल उसको लगा भाई बच गया, तो मेरे से वो पारते भाई साहब कल और डंडा कितना कुछ था, मतलब इतने सारे बंदे भर के गया था एकेडमी में अपनी भाई, कल आपने एक चीज देखी आरसीबी का ओवर कॉन्फिडेंस, चार बॉलर के साथ उतर रही है वो भाई, वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, वो उनकी खुद की गांड फटी थी, उन्हें पता था उन्हें बड़ा स्कोर चेस करना था, बैट्समैन ठोक लो बैट्समैन ठोक लो, हम ना 250 भी बनाए यार, फिर भी यार मतलब ठीक है तुम्हारे पास बैट्समैन ठीक है, एक तो सौरभ चौहान को क्यों खिला रहे हो भाई, वो तो पता सौरभ चौहान का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा, चाहे वो नेट में कितना बढ़िया कर रहा है, 3 मैच हो गए उसका कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा खिलाएंगे नहीं आ रहा तो खिलाएंगे ना भाई, आ रहा हो तो क्यों खिलाए, 2 बॉल उसने खराब करी बेफालतू की, उसकी जगह एक बॉलर को खिलाते क्या पता 287 की जगह 200 थोड़े तो कम पे रुक जाते, 270 तक रुक जाते, क्योंकि आपने महिपाल से ओवर करवाया वो थोड़े रन खा गए भाई, बॉलरों को मैं आरसीबी के बॉलर्स देख रहा हूँ मतलब चलो 10 से नीचे की इकोनॉमी तो किसकी है 10 यार, कल के मैच में 287 बने तो 15 की इकोनॉमी चल रही होगी, एवरेज तो ला लो 15 की गई है इनकी, बाकी भाई देखो पहले आप बॉलिंग पहले बैट बॉलिंग कर रहे हो तो मोहम्मद सिराज को उसमें रखने की क्या जरूरत थी इंपैक्ट प्लेयर में, भाई लिटरली इन्होंने गलती कर दी कि इनको सिराज मतलब इन्हें ये नहीं समझ में आता कब क्या करनी चाहिए कब ना, सिराज को तो बैक करो भाई, और भाई कैमरन ग्रीन को भी बैक, जब अगर मैक्सवेल भी नहीं आया तो कैमरन ग्रीन को बैक कर सकते थे, नहीं इन्होंने फिर बॉलिंग पे वो जोर डाला ना तो फर्गसन को भी लिया है, वो इनकी इतनी घटिया किस्मत है, कल रिंग स्टोपली आया था पिटे, मतलब तो फर्गसन को देख भाई कितने रन खाए, उसकी इकोनॉमी देख, उसने 2 विकेट जरूर लिए लेकिन रन देख कितने सारे खाए हैं, किसी की किस्मत नहीं चल रही भाई आरसीबी में, कल तो लिटरली भाई कोहली तक ने इतनी तगड़ी शुरुआत दे दी, 20 बॉल में 42 रन, और फैफ डु प्लेसी भी छक्के चौके मार रहा था, बस एक विल जैक्स की किस्मत खराब थी, बाकी रजत पाटीदार ने भी ज्यादा बॉल नहीं खाई, एक छक्का मार के चला गया वो भी, अब भाई लंबा तो जाना था ना ये, हाँ। क्या था आते एक छक्का मारा गया भाई, प्रेशर भी इतना था कि टिकने का तो मौका ही नहीं था ना, हर बॉल पे मारने का टाइम था वो, बाकी पैट कमिंस इतना हरामखोर
भाई पैट कमिंस का समझ नहीं आता, चाहे कोई भी बॉलर हो पैट कमिंस अपनी इकोनॉमी और विकेट निकाल ही देता है। और टॉस के आगे बोल रहा सब सोच रहे मजाक कर रहा है, 11 240 पार स्कोर, जैसे कि 240 पार स्कोर है हमें तो इससे ज्यादा जाना पड़ेगा। तो भाई लोगों को लगा मजाक कर रहा है क्या होगा, नेटो इन्होंने तो सीरियसली जो ये बोल रहा था तंगी लगी हो रहा है। इसने बोला था इंडिया के क्राउड को साइलेंट कर दूंगा, साइलेंट कर दिया। और इसने भाई अभी तक MI CSK और RCB इन्हीं को हराया, जो तीन टॉप के बंदे थे इसने कहा था इन तीनों टीम का क्राउड बहुत ज्यादा बोलता है ना, तो इन्हीं को शांत कराऊंगा। और इसने अभी तक इन्हीं तीन टीमों को शांत भाई करा ले, बहुत अच्छे से करा ले, पूरे IPL करा ले, कुछ मत कराइए बस भाई यार। वर्ल्ड कप में तो फिर वही बात है ना, देखो कितने चला के मिचेल मार्श को कैप्टन बनाना था, T20 आएगा उसको बुला लेना वापस। अरे वो बड़े हैरानी है भाई तुम, ये हम ही समझते हैं, ये लोग तो भर लेते हैं फ्रेंचाइजी को, लगता है ये जिताएगा हमें। एक तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर इतने ओवररेटेड है, मतलब ग्लेन फिलिप्स देखो बेंच पे बैठा है तो ये हाल था इनका, 287 तो तब बन गए। क्योंकि केडर माकरम ने कल करा क्या, अगर सच बोलूं तो 17 में 32 भाई कल के हिसाब से बहुत स्लो थे। अब्दुल समद को देख लो 10-12 बॉल में कितने मारे, 10 में 37 मार गया वो तो उस हिसाब से तो चलो एडन मार्करम बहुत स्लो खेले। और मेरे को लगता है एडन मार्करम को इसलिए बैक करते क्योंकि लास्ट ईयर उनका कैप्टन था वो, तो हटा नहीं सकता, हटाने की बात नहीं है। और एक वो ऐसा बंदा है जिस दिन आपके 50 पे 3 होंगे तो आपको एडन मार्करम जैसा बंदा ही निकाल के लाएगा। आपने उसमें देखा होगा लास्ट मैच में CSK के खिलाफ 50 उसी ने मारी थी भाई, तो कह रहा हूँ तो वो ऐसा ही बंदा है, वो फंसे हुए मैच में निकाल सकता है। दिनेश का लोग खेलता है, दिनेश कार्तिक को सामने बांग्लादेश की टीम ही दिख रही है क्या भाई, उसे वर्ल्ड कप दिख रहा है, सच्ची में सपोर्ट नहीं मिला। अनुज रावत भी था, उसकी भी अच्छी खासी बैटिंग चल रही थी, नहीं बाद में उसने साले ने 8 में 4 ही मारे तो कोई, मैं कल की कह रहा हूँ कि शुरू के 2 मैच में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, तो उस हिसाब से कल 8 बॉल में उसे भी 20 तो रन्स भाई, सच्ची में मैं वही तो कह रहा हूँ कौन सा प्लेयर है क्या फाफू प्लेसी, तो बाबा आजम जैसी हरकतें कर रहा है यार कप्तानी में। इससे बढ़िया तो सिराज को बुला, सिराज को भेज देते 2 छक्के मार, सिराज बहुत खुश होगा भाई बहुत खुश होगा। और ये दुख जो है ना बस विराट कोहली के लिए नहीं देखा जाता। हाँ यार क्योंकि वो अपना पूरा दे भाई यार, मतलब जब वो जब छक्के पड़ रहे थे ना लिटरली वो बंदा यूं खड़ा होकर सोच रहा था क्या चल रहा है ये, मतलब भाई नेट बोले गरीब की झोपड़ी में ही सबसे ज्यादा सुख है भाई, मतलब लिख के ले लो। और आरसीबी को मुझको आप कोई उम्मीद नहीं दिख रही, खैर मुझे तो पहले भी नहीं दिख रही थी, या तो आरसीबी में से आरसीबी करा दो तो पॉइंट आएंगे वरना भाई कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। एक चीज होती है ना वो जैसे वर्ल्ड कप क्वालिफायर से पहले मैचेस होते हैं क्वालिफाई करने के लिए, वैसे इसमें करवा दो नीचे की टॉप 5 टीम है ना, लास्ट की टॉप लास्ट की 5 जो बची टीमें हैं जो आज तक आईपीएल में जीती, दिल्ली पंजाब और इन 5 टीमों का अपना अलग से ग्रुप में मैच करवाओ, उनमें से टॉप 3 ले लो, उसमें भी आरसीबी लास्ट में दिखेगी, वो फिर क्वालिफाई नहीं होगी आईपीएल के लिए। और अगर गलती से क्वालिफाई हो गए तो ये रहेगा कि एक चीज तो क्वालिफाई कर ली। अबे आरसीबी ऐसी टीम है भाई साहब, अगर पैंट खरीदती है तो शर्ट फट जाती है, शर्ट खरीदती है तो पैंट फट जाती है, दोनों खरीदते हैं तो फटा फट जाता है वही तो भाई आरसीबी जोकर बन के रह गई है भाई, पूरी अच्छे तरीके से उनकी जो मैनेजमेंट है ना अच्छी खासी बेइज्जती करवा रही है ग्राउंड पे। और मैंने तो एक चीज अब हंसी आ रही है कि जब ये प्री मैच करते हैं आईपीएल से पहले जो एक प्री शो होता है ना अनबॉक्सिंग इवेंट, हाँ अनबॉक्सिंग इवेंट, उसमें 99 रुपए ले रहे थे पूरा शो हल्ला है तेरी है, इस बार तो वुमेन्स ट्रॉफी जीत गई तो मेंस भी ला रहे हैं, लेडीज पहले कर दिया ये वो, भाई साहब हैरिस पहले जेंडर चेंज करा के खिला लो। अबे यार हद कर रहे हो भाई, सकी नहीं है भाई क्वालिफाई करना, ये हो चुका है बात, एक टीम तो हो चुका है एलिमिनेट और एक और हमारी जो सेकंड बेस्ट है टेबल टॉपर दिल्ली से, नहीं दिल्ली से ऊपर भी तो शायद पंजाब टीम है ना नीचे, हाँ ये वर्जिन तीनों वर्जिन के नीचे हैं जिन्होंने कभी छुआ है। बाकी यही सब चलता रहेगा, आगे अगले मैच में मिलेंगे आपको प्री मैच में, एंड ऑल्सो थैंक्स टू आवर स्पॉन्सर मैक्स प्रोटीन, स्टे ट्यून्ड फॉर